सब्सक्राइब कीजिए मोबाइल मास्टर स्पेशल ट्रिक चैनल को और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए इस घंटे को दबाना ना भूले। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक स्मार्टफोन खरीदते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जिनको भी नहीं पता एक स्मार्टफोन खरीदते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरा कंप्लीट वॉच करना ताकि आपको सही से पता चले। जिनको भी पता है एक स्मार्टफोन खरीदते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए तो आपके लिए ये वीडियो नहीं, आप स्किप करके जा सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरा कंप्लीट वॉच कर सकते हो ताकि आपको सही से पता चले। और एक चीज, ये वीडियो सिर्फ नॉर्मल स्मार्टफोन यूजर्स के लिए है। अगर आप नॉर्मल स्मार्टफोन खरीदने जाते हो तो खरीदते वक्त आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो पहले शुरुआत करते हैं फ़ोन की रैम और स्टोरेज से। अगर आप एक नया स्मार्टफोन खरीदने जा रहे हो तो आपका मिनिमम 4GB रैम और 128GB स्टोरेज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो हर दिन एक ऐप का जो है साइज बढ़ता जा रहा है, तो इसीलिए आपको मिनिमम 4GB रैम और 128GB स्टोरेज मिनिमम होना चाहिए। अगर आप 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला फ़ोन खरीदते हो या फिर आप 3GB रैम और 32GB स्टोरेज वाला फ़ोन खरीदते हो तो मिनिमम 1 से 2 साल आप फ़ोन को यूज़ कर सकते हो 3GB और 32GB स्टोरेज वाला फोन। आप लॉन्ग टाइम तक ये फोन को यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि दिन ब दिन ऐप का साइज जो है बढ़ता जा रहा है। जब तक आप उन फोन को उन ऐप को आप अपडेट नहीं करोगे तब तक आप जिन ऐप को यूज करते हो वो चलेगा नहीं, तो इसीलिए आपको जो है उन ऐप को अपडेट करना पड़ेगा। तो जैसे आप अपडेट करोगे आपकी फोन की स्टोरेज जो है बढ़ता चला जाएगा, तो ऐसे जो है आप ज्यादा देर तक आप एक फोन को यूज नहीं कर सकते है। अगर आप एक नया फोन खरीदने जा रहे हो 3GB रैम और 32GB स्टोरेज वाला फोन, तो आप मिनिमम 1 साल या फिर 1.5 साल तक आप ये फोन को यूज कर सकते हो। इससे ज्यादा आप ये फोन को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये फोन 1 साल या फिर 1.5 साल जाने के बाद आपका फोन जो हैंग करने लगेगा। तो अगर आप एक नया फोन खरीदने जा रहे हो तो आपको मिनिमम 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला फोन खरीदना चाहिए। अगर आप ये फोन खरीदते हो आप मिनिमम लॉन्ग टाइम तक आप फोन को यूज कर सकते हो। अगर आप 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला फ़ोन खरीदते हो या फिर आप 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला फ़ोन खरीदते हो तो उस फ़ोन का प्राइस कम से कम 15,000 के आसपास पड़ेगा। तो अगर आपका बजट 15,000 के आसपास है तो आप ये फ़ोन खरीद सकते हो, 8GB और 128GB स्टोरेज वाला स्मार्टफोन। तो अगर आप एक नया स्मार्टफोन खरीदने जा रहे हो मिनिमम 15,000 के अंदर, तो उस पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G वाले प्रोसेसर होना चाहिए। अगर आप क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G वाले प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन खरीदते हो तो आप उस पर गेमिंग भी कर सकते हो। तो आप बात करते हैं मोबाइल की कैमरे की। अगर आप एक नया स्मार्टफोन खरीदने जा रहे हो तो मिनिमम उस पर 48 कैमरा होना चाहिए। तो अगर आप 15,000 के अंदर आप एक नया स्मार्टफोन खरीदने जा रहे हो तो उस पर आपको 4 कैमरा तो मिनिमम होना ही चाहिए आज के टाइम पर। तो आप बात करते हैं मोबाइल की बैटरी की। अगर आप एक नया स्मार्टफोन खरीदने जा रहे हो तो मिनिमम 4 से 5 हज़ार की बैटरी होना चाहिए। अगर आप उस फोन पर गेमिंग करते हो तो मिनिमम 4 से 5 हज़ार की बैटरी होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देर तक वो फोन बैकअप नहीं दे सकता। या फिर अगर आप लॉन्ग टाइम तक फोन को यूज करना चाहोगे तो मिनिमम आपको 4 से 5 हज़ार की बैटरी होना ही चाहिए। तो आशा करते हो समझ गए होंगे कि आज के टाइम पर एक स्मार्टफोन खरीदते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।